दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी स्किन है वो एकदम बेदाग होनी चाहिए, उस पर कोई भी टैनिंग, सनबर्न या फिर एज के साइंस नहीं होने चाहिए। और बहुत बार जो हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आ जाता है या फिर सनबर्न आ जाता है या फिर जो ब्लेमिशेस आ जाती हैं या डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, वो तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। और इन सभी स्किन की प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम तरह तरह के बहुत सारे प्रयास करते हैं जो हम बाहर से लगाते हैं, लेकिन बाहर से लगाई गई चीज़ें डेफिनेटली एक लिमिटेड रूप में ही हमें रिजल्ट्स दे सकती हैं, क्योंकि बाहर से लगा करके अगर हम 100% रिजल्ट्स ले पाते तो डेफिनेटली जो इंटरनल डाइट की जो इम्पोर्टेंस है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी घरेलू चीज़ों के बारे में जिन्हें अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं सही तरीके से, तो हम देखेंगे कि कुछ ही दिनों में हमारी बॉडी में जो ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। और जैसे जैसे ही ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो स्किन है वो गोरी होने लगेगी, बेदाग होने लगेगी और स्किन पर एक अलग तरह की चमक आने लगेगी। जब भी मैं गोरी स्किन कहता हूँ तो मैं बिल्कुल भी आपको एक वाइट स्किन की तरफ प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपकी जो स्किन है वो बेदाग होनी चाहिए, आपकी स्किन का जो कलर है वो इवन होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए और हमारी स्किन पर चमक होना जरूरी है। तो अगर आप भी परेशान हैं पिगमेंटेशन से, झाइयों से, डार्क सर्कल से, टैनिंग से, सनबर्न से या फिर फ्रेकल्स से, तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें आपको डाइट में शुमार करनी है, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। दोस्तों मैं डाइट की चीज़ों पे चलूँ उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ उन सभी लोगों के लिए जो लोग वर्किंग हैं या जिनके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है डाइट पर अपना फोकस करने के लिए, तो वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ रेडी टू यूज़ बता दिया जाए। तो आपके लिए मैं आपको एक कंटेंट बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो आप ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। मैं बात कर रहा हूँ वेलनेस बीट के ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स के बारे में। वेलनेस बीट के जो ग्लूटाथायोन कैप्सूल्स हैं ये पूरी तरीके से नेचुरल हैं, सेफ हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ही कैप्सूल है जिसके अंदर आपको ग्लूटाथायोन और विटामिन सी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। हम सभी जानते हैं कि ग्लूटाथायोन को बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए विटामिन सी हमें अलग से लेना पड़ता है, लेकिन इस वेलनेस बीट के ग्लूटाथायोन कैप्सूल के अंदर आपको ग्लूटाथायोन और विटामिन सी इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर एल ग्लूटाथायोन है जो हमारी स्किन में जो मेलानिन का प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। इसके अंदर विटामिन सी है जो ग्लूटाथायोन को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करेगा। ग्रैपसीड एक्सट्रैक्ट है जो एंटी एजिंग की प्रॉपर्टीज देता है। अल्फा लिपोइक एसिड है जो स्किन को स्मूथनेस देता है। एल लाइसिन है जो स्किन के अंदर कॉलेजन का प्रोडक्शन बढ़ाता है। विटामिन ई है जो स्किन को नरिशमेंट देगा और बायोटीन है जो हमारे बालों को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। सो एक कैप्सूल सुबह ले लीजिए नाश्ता करने के बाद और एक कैप्सूल रात को ले लीजिए डिनर करने के बाद, तो आप देखोगे कि 3 से 6 महीने में ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्किन लाइटनिंग इफेक्ट आपको शो कर रही है। इवन आप 1, 2 या 3 शेड तक भी लगातार प्रयोग करने के बाद इससे स्किन लाइटनिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई किया है, उसके बाद ही मैं आपको ये फीडबैक यहाँ पर दे रहा हूँ। इसे ट्राई करने के लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, मेक श्योर एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कन्विंस होते हैं तो परचेज करके अपने रूटीन में शामिल ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब लौटते हैं वापस से अपने वीडियो की तरफ जहां पर हम बात कर रहे थे ग्लूटाथायोन के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले फूड आइटम्स के बारे में। दोस्तों ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में नेचुरली परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है कि प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है या फिर जैसे जैसे हमारी बॉडी में स्ट्रेस आता है, हमारी बॉडी में बीमारियाँ आती हैं, तो उनकी वजह से ग्लूटाथायोन का प्रोडक्शन कम होता जाता है। तो समय रहते अगर हम अच्छी डाइट लें या समय रहते हम अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करें तो उस ग्लूटाथायोन के कम होते हुए प्रोडक्शन को रोका जा सकता है और हम लंबे समय तक ग्लूटाथायोन को बेहतर ढंग से हमारी बॉडी में बना सकते हैं, जिसका इफेक्ट हमें मिलता है बेदाग त्वचा के रूप में। तो नंबर वन जो चीज़ आती है दोस्तों वो आता है केसर। हम सब जानते हैं कि जो सेफ्रॉन है वो हमारी स्किन के कलर को इन्हांस करने के लिए बहुत सदियों से इस्तेमाल होता रहा है। केसर वाला दूध हो या फिर केसर का साबुन हो, केसर की क्रीम्स हो, केसर की उबटन हो, ये सारी के सारी चीज़ें हमारी आयुर्वेदिक मेडिकल जो साइंस है उसका हिस्सा रहे हैं। केसर को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, तो रोज़ रात को सोने से पहले आपको कम से कम 1 कप दूध ज़रूर पीना है और उस दूध में कम से कम 5 धागे आपको केसर के डाल करके ही पीने हैं। जब आप केसर के धागे अपने इस दूध के अंदर डाल करके पीते हैं तो ये केसर के धागे बॉडी में जा करके एंटी
ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कंट्रोल होते हैं और उन्हीं की वजह से एक्चुअली हमारी बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो जैसे ही वो मेलानिन का प्रोडक्शन कम होगा, हमारी स्किन का कलर इवन होगा, पिगमेंटेशन, झाइयाँ कम होंगी, डार्क सर्कल्स खत्म होंगे, फ्रैकल्स में कमी आएगी और आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो भी आपको इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। नंबर दो जो चीज़ आती है दोस्तों, जो हमारी बॉडी में ग्लूटाथियोन को प्रोडक्शन को बढ़ाती है, बहुत सस्ती है, बहुत आसानी से अवेलेबल है, वो है लेडी फिंगर, मतलब कि भिंडी। भिंडी के अंदर जो लसलसाहट होती है, उस लसलसाहट के अंदर ही एक्चुअली ग्लूटाथियोन को प्रोड्यूस करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो अगर आप लेडी फिंगर वाटर, मतलब कि भिंडी के पानी को रोज पीना स्टार्ट करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। अब इसे बनाना कैसे है, तो रोज रात को सोने से पहले आप एक ग्लास पानी लीजिए। इस एक ग्लास पानी के अंदर लगभग 4 मीडियम साइज की जो भिंडी होती हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़े करके डाल करके रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर जब आप ये भिगोए रखेंगे तो इसके अंदर जो लसलसाहट है वो इस पानी के अंदर आ जाएगी, मतलब कि वो एंजाइम्स जो कि ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है वो इस पानी के अंदर आ जाएगा। अब आप सुबह उठिए, इस भिंडी वाले पानी को छान लीजिए, भिंडी को आप फेंक दीजिए और जो पानी आपके पास बचा है इस पानी को आप बहुत छोटे छोटे सिप्स लेकर के बहुत धीरे धीरे पीजिए और आप देखोगे कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ ही हफ्तों के अंदर ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन तेज होना शुरू हो गया है, जिसका असर ना सिर्फ आपको आपके चेहरे पर मिलेगा बल्कि पूरे शरीर की जो स्किन है वो चमकने लगेगी और उसका जो कलर है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। नंबर तीन अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों वो आते हैं बादाम। बादाम के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और साथ के साथ में उसमें विटामिन ई भी होता है। ये दोनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हमारी बॉडी की कोशिकाओं में जो स्ट्रेस पैदा होता है, जिसकी वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उस स्ट्रेस को ख़त्म करने में बादाम हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन उसके लिए बादाम को ऐसे खाना नहीं है, उसके लिए बादाम को हमें घोटना पड़ेगा। मतलब आप एक मिट्टी का या फिर आप एक पत्थर का एक बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर 8 से 10 बादाम डालकर के बढ़िया से उसको ग्राइंड कीजिए। जितना ज़्यादा आप उसे ग्राइंड करेंगे, चाहे आप मिक्सी में करना चाहते हैं उसमें भी आप कर सकते हैं, दूध के साथ इसको ग्राइंड कीजिए और फिर इस ग्राइंड किए हुए बादाम को आप लीजिए तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। सुबह सुबह लेंगे बहुत बेनिफिट होगा और नहीं तो आप रात को सोते समय दूध के साथ भी ले सकते हैं तो आपको ये फ़ायदा देगा। जनरली ये देखा गया है कि जब हम ऐसे ही बादाम कंज्यूम करते हैं तो क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में खाते हैं, जिसकी वजह से हम उसे आसानी से या बहुत तरीके से चबाते नहीं हैं, तो उसकी वजह से उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है। सो बादाम अगर आप बेनिफिट्स के लिए खा रहे हैं तो उसे बहुत अच्छे से चबाइए। एक सिंपल से सेंटेंस में मैं कहूँ तो जैसे भैंस जुगाली करती है, चबाती जाती है, चबाती जाती है, चबाती जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमें करना होगा, तभी जा कर के हम खाने से पूरे के पूरे पोषक तत्व जो हैं वो ले पाते। नंबर फोर अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हल्दी बहुत ज्यादा मददगार है। हल्दी के अंदर क्योंकि एंटी जर्मिसाइटल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन चल रहा है या कोई बीमारी चल रही है या कोई जर्मिसाइटल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, उन सबको ख़त्म करके जो रिलैक्सेशन वाला जो स्टेज होता है ना, वो हल्दी लाने में हमारी मदद करती है। अब देखो कभी किसी को दर्द भी होता है तो हम कहते हैं हल्दी वाला दूध पीजिए, क्योंकि हल्दी हमारी कोशिकाओं के रिलैक्सेशन को इंक्रीज़ करती है। जितना ज़्यादा हमारी कोशिकाएं रिलैक्स होंगी उतना ज़्यादा वो ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस करेंगी। तो रोज़ रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध भी अगर आप अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो ये आपको नेचुरली ग्लूटाथियोन प्रोड्यूस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करके देगा। नंबर पाँच और नंबर लास्ट जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो है पम्पकिन सीड्स को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। कद्दू के जो ये हरे हरे खूबसूरत बीज होते हैं ना, ये हमारी तबीयत को भी एकदम हरा कर देते हैं, मतलब एकदम ठीक कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में ग्लूटाथियोन का प्रोडक्शन बिल्कुल लो हो गया है, स्किन की चमक खत्म हो रही है, स्किन का कलर धीरे धीरे डल होता जा रहा है, डार्क होता जा रहा है, आप अपनी एज से थोड़े से ज़्यादा बूढ़े दिखने लगे हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन में पम्पकिन सीड्स 2 चम्मच रोज शामिल करो। लेकिन जब भी आप पम्पकिन सीड्स खा रहे हो साथ में 1 कप ज़रूर दूध पीजिए, क्योंकि दूध के साथ जब हम पम्पकिन सीड्स खाते हैं तो उसके अंदर जो सेलेनियम होता है, उसके अंदर जो मैग्नीशियम होता है, वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है और ये एक्टिवेट होने के बाद बॉडी में जाकर नेचुरली ग्लूटाथियोन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने में हमारी मदद करता है।
दोस्तों ये सारी के सारी जो खाने पीने की चीज़ें मैंने आपको शेयर की, ये नेचुरली रिसर्च्ड प्रोडक्ट्स हैं या रिसर्च्ड चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं बहुत सारे लोगों को। सो मेक श्योर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लेकिन कोई भी चीज़ जब आप ट्राई करते हो ना तो अपने दिमाग को ये बोलिए कि ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको ट्राई करने में थोड़ा समय लगेगा और थोड़े समय के बाद ही आपको रिजल्ट आएंगे। कोई दवाई नहीं है, कोई आपकी टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है कि आपने खाया लगाया और आप बहुत गोरे हो गए या बहुत बेदाग स्किन के मालिक हो गए। सो यू नीड टू हैव द पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जब आप पेशेंस रखते हो और जब आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ जब ट्रीटमेंट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मेक श्योर इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।